हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BMDGM क्लासेज में। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, एकदम ज़बरदस्त। तो मैं आपका दोस्त गौरव जी, हम आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ 9 जून 2023 की करंट अफेयर। उम्मीद करता हूँ पिछली वीडियो आप सभी ने देख ली होगी, सभी क्वेश्चनों को भी याद कर लिया होगा। तो जिन भाइयों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे अधिक से अधिक अपने भाई बहनों में शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका फ़ायदा उठा सके। और जो भाई इस वीडियो को PDF डाउनलोड करना चाहता है, जल्दी है टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो, सभी PDF एक साथ डाउनलोड कर सकते हो। तो प्यारे फ्रेंड्स, जो भाई हमारे चैनल पर नया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी बजा दे, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो देखिएगा आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। और प्यारे फ्रेंड्स, जिन भाइयों ने अभी तक वीकली करंट अफेयर की वीडियो नहीं देखी तो उसे भी देख लीजिए, वहाँ पर आपको रिवीजन करने को मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से बताया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, वो वीडियो अपलोड हो चुकी है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा प्यारे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 आज का क्या दिया हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कौन बिम्स्टेक एक्सपो और कॉन्क्लेव की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? कोलकाता। ठीक है, कोलकाता किस राज्य की राजधानी है? पश्चिम बंगाल की। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, हाल ही में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया है? 28 जून को। ठीक है, 28 जून को नहीं फ्रेंड्स, 8 जून को। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया था, सॉरी फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कौन सा देश यूरोप में नाटो के अब तक के सबसे बड़े हवाई अभ्यास की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश? जर्मनी। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में गीतांजलि अय्यर का निधन हुआ है, वे कौन थी? वे थी एक प्रसिद्ध एंकर। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में DRDO द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? उड़ीसा में। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, हाल ही में कौन सा देश क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो कौन सा देश? भारत। ठीक है फ्रेंड्स, अपना प्यारा देश भारत। तो क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस स्वास्थ्य और अन्य निजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है? तो किस स्वास्थ्य और अन्य निजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है? ऑस्ट्रेलिया देश ने। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आते हैं, क्वेश्चन थोड़ा गलत पूछा गया है। हाल ही में किस देश ने, ठीक है, स्वास्थ्य और अन्य निजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है? तो किस देश ने? ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में ISA की अस्थायी समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो कहाँ पर आयोजित हुई है? नई दिल्ली में। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में राजीव सिन्हा को किस राज्य का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो किस राज्य का? पश्चिम बंगाल का। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिन भाइयों ने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम चैनल फॉलो नहीं किया, जल्दी फॉलो कर लीजिए BMDGM क्लासेज 1 के नाम से। वहाँ पर आपको ये पेज अपलोड मिल जाएगा फ्रेंड्स, वहाँ से आप उनको रिवाइज करते रह सकते हो। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में उपेंद्र सिंह रावत को कहाँ भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो कहाँ पर? युगांडा का। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन शीर्ष पर रहा है? केरल। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब किसे मिला है? तो किसे मिला है? टाटा ग्रुप को। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस राज्य ने KFON नामक फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क लॉन्च किया है? तो किस राज्य ने? केरल ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में कौन सा देश 2030 तक भारत के साथ ग्रिड कनेक्टिविटी के साथ क्षेत्रीय ऊर्जा एकीकरण प्राप्त करेगा? तो कौन सा देश है भारत के साथ? श्रीलंका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित रंगमंच अभिनेता और निर्देशक आमिर रजा का निधन हो गया है? वे किस पुरस्कार से सम्मानित थे फ्रेंड्स? पद्मश्री से। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा 2023-24 में बड़े राज्यों में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो किसे प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स? केरल में। फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन अभी हमने ऊपर बता दिया है, आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ऊपर पूछा है आपको, अभी दिखाई दिया था फ्रेंड्स, ये था 12 क्वेश्चन। हाल ही में जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन रहा है? केरल। तो ये भी इसी तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या इसका आंसर? केरल। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में भारतीय नौसेना और किसने वरुणास्त्र टॉरपीडो का पहला युद्धक परीक्षण किया है? तो किसने? DRDO ने। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर, अब DRDO के बारे में सुन लीजिए प्यारे फ्रेंड्स। DRDO की स्थापना कब हुई थी? इसकी हुई थी 1958 में। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिएगा 19 क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर में एक नई मेट्रो लाइन के निर्माण को मंजूरी दी है? तो किस शहर में? गुरुग्राम में। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 20 आज की वीडियो का लास्ट एंड फास्ट क्वेश्चन प्यारे फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ है देखिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने अब तक देश भर में महिला सुरक्षा के लिए कितने वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए हैं, तो कितने 733। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी और सभी क्वेश्चनों को भी आपने दिमाग में छाप लिया होगा। तो जिन भाइयों को वीडियो अच्छी लगे तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, और फ्रेंड्स जिन भाइयों ने ये PDF डाउनलोड करनी है जल्दी टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो और सभी PDF एक साथ डाउनलोड कर सकते हो। तो बाय बाय टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना प्यारे फ्रेंड्स, वीडियो कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। तो बाय बाय टाटा।